अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था प्रिपरेशन के स्टेप्स। आज हम करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन कौन से रिएक्शंस दे सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो नंबर एक पे आ जाएगा स्मेल। अब स्मेल में हम करेंगे फर्स्ट थ्री मेंबर्स। अब फर्स्ट थ्री मेंबर से कौन कौन से मेंबर्स मुराद हैं कि वो मेंबर जिसमें एक कार्बन होगा, जिसमें दो मेंबर कार्बन होंगे और इसमें तीन कार्बन के एटम्स होंगे। मसलन अब एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, ये कौन कौन सा हो सकता है? अब एक कार्बन की आप बात करोगे तो ये आ जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक होगी बात। जब आप दो कार्बन की बात करोगे तो दो कार्बन में आ जाएगा एस्टिक एसिड, और जब हम बात करेंगे थ्री कार्बन की इसके अंदर आ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा आ जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड आ जाएगा। तो ये फर्स्ट कार्बन ये वाला, उसके बाद ये सेकंड कार्बन, उसके बाद ये थर्ड वाला, ये क्या होते हैं? कलरलेस। क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस होते हैं वाटर की तरह, और इनकी जो स्मेल होती है वो होती है हैविंग पंजेंट स्मेल। पंजेंट कह रहे थे चुभने वाली, अगर सुनेंगे तो नाक के अंदर एकदम से चुभने वाली इसकी स्मेल होगी। अब इसके बाद इससे आगे जब हम जाएंगे तीन कार्बन से ऊपर जाएंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड है, पेंटेनोइक एसिड है, हेक्सेनोइक एसिड है, आर कलरलेस लिक्विड्स विद सम अनप्रेजेंट स्मेल। इसकी स्मेल क्या होती है? अनप्रेजेंट होती है। उस पर आ जाएगा सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी में हम ये बात करेंगे इसके जो लोअर मेंबर हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं? मसलन कि आप बात करते हो एस्टिक एसिड की, तो ये मैंने एस्टिक एसिड का फार्मूला राइट किया है CH3C(O) और ये आ गया है OH। अब H के ऊपर होता है पार्शल पॉजिटिव चार्ज। अब पार्शल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है? वाटर के पार्शल नेगेटिव जो कि O है उसके साथ इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर लेगा। अब इस इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। इस पर आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आपस में इंटरमोलेकुलर फोर्स होती है। मसलन ये डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। डाइमर क्या कहते हैं? दो यूनिट को। अब मसलन आप इसको ये करोगे कि ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये R इसका C(O) और ये OH। अब दूसरे को आप ये ले लोगे कार्बन इसका इथाइल है, उसके बाद कार्बन ये डबल बॉन्ड O और इसका ये आ जाएगा OH। आप इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो ये दो तरफ से आपस में इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। अब दो तरफ से इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने की वजह से ये क्या काम करेंगे? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। ठीक होगी बात। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वेरी हाई, तो आप ये स्ट्रक्चर ड्रा करोगे और इसके बारे में ये बता दोगे इसके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आने की वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा इसके मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। मसलन अगर दो कार्बन होंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तीन का और ज़्यादा, चार का और ज़्यादा, पांच का और ज़्यादा। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे? ज़्यादा होते जाएंगे। अब आमतौर पर देखा गया है इवन कार्बन एटम अगर होंगे तो उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक होगी बात। ये आम प्रैक्टिस में देखा गया है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनके अंदर कार्बन इवन होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं एज कम्पेयर टू ऑड कार्बन एटम्स। मसलन अगर चार कार्बन होंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट ये वाला होगा, पांच कार्बन एटम होंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट ये वाला होगा, और अगर छह कार्बन एटम होंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ये वाला होगा। ये तो हमने कर लिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। मसलन स्मेल हमने किया है, सॉल्युबिलिटी की है, मेल्टिंग पॉइंट किया है और उसके साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट कर लिया है।
अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल एक्टिविटी किस वजह से हो सकती है। तो इसके केमिकल रिएक्शंस 3 तरह के हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर वो कैसे डिपेंड करता है, तो मैं इसके फार्मूला को राइट करता हूँ। ये आ जाएगा CH3, आगे C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा OH। ये कौन सा फार्मूला है, एसिटिक एसिड का। अब फर्स्ट इसका रिएक्शन ये इन्वॉल्व होगा हाइड्रोजन, ये इसका जो पहला रिएक्शन है इसमें इन्वॉल्व होगा, सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। अब मसलन जब ये रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, ये आ गया सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और इसके साथ एच हम लगा लेते हैं। आप इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, और उसके बाद हम यहाँ पे जब इस करवा देंगे सोडियम के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसीटेट में, और इसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो ये आगे क्या बना देगा, साल्ट बना देगा। तो इस तरह हम इसके बारे में ये कर देंगे कि इसका जो फर्स्ट एक्शन होगा इन्वॉल्व ओनली हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिली ग्रुप। ठीक होगी बात, ओनली हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिली ग्रुप। अब इसका जो सेकंड एक्शन होगा, सेकंड एक्शन में हमने ये करना है कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा हाइड्रोक्सीजन भी शामिल हो जाएगा, दूसरा पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा। फर्स्ट में हमने किया है कि सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, फर्स्ट में सिर्फ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा था, अब सेकंड में क्या हाइड्रोक्सी पूरा ग्रुप आ जाएगा, तो सेकंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप पूरा आ जाएगा। और थर्ड के अंदर क्या होगा, थर्ड के अंदर पूरे का पूरा ये ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि पूरे का पूरा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जिसको ऊपर मैंने ये राइट किया हुआ है, इसके अंदर ये वाला पूरे का पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होगा। तो अब इसकी बुनियाद पे इसके आगे रिएक्शंस कौन कौन से आएंगे, वो कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।